हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भारत के एक ऐसे नेशनल लेवल गर्ल्स स्कूल की जहाँ लड़कियों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ही भारतीय कला, संस्कृति और मूल्यों का भी शिक्षा दिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के टोंक जिले में स्थित वनस्थली विद्यापीठ की, जिसका संचालन वनस्थली यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। वनस्थली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स को नर्सरी से पीएचडी लेवल तक की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल वनस्थली के स्कूल एजुकेशन यानी नर्सरी से क्लास 12 तक की जानकारी दूंगी। हायर एजुकेशन कोर्सेज पे नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वनस्थली में एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसा होता है, यहाँ लड़कियों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, फ़ीस कितने लगते हैं, हॉस्टल कैसा है, इन सारे विषयों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, 6 अक्टूबर 1935 को गृह और विदेश विभाग के पूर्व सचिव पंडित हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री ने अपनी होनहार और प्रतिभाशाली बेटी शांताबाई के अचानक मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए खालीपन को दूर करने के लिए वनस्थली की स्थापना की। उन्हें बहुत उम्मीदें थीं कि उनकी बेटी बड़ी होकर महिलाओं के हित के लिए काम करेंगी। तो 1935 में स्थापना से लेकर आज तक वनस्थली का लक्ष्य लड़कियों को ऐसी शिक्षा देना रहा है जो उन्हें समाज में सम्मान और समानता का स्थान सुरक्षित करने में सक्षम बनाए। आज के ज़माने में जब बच्चों को डांस, म्यूज़िक और आर्ट सिखाने के अलग क्लासेस जाने पड़ते हैं, वहीं वनस्थली में लड़कियों को एकेडमिक पढ़ाई के साथ ही म्यूज़िक, डांस और आर्ट भी बेहतरीन तरीके से सिखाए जाते हैं। राजस्थान में बसे इस अनोखे स्कूल में पढ़ने के लिए अलग अलग राज्यों से लड़कियां एडमिशन लेती हैं। कुछ राज्य के सरकार जैसे त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के सरकार अपने स्टेट की एससी एसटी गर्ल्स को यहां पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी देती है। तो चलिए जानते हैं इस स्कूल में पढ़ाई कैसे होता है। वनस्थली में पढ़ाई पंचमुखी शिक्षा प्रणाली के आधार पर होता है। यहाँ लड़कियों को 5 तरह की शिक्षा दी जाती है। सबसे पहला है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। यहाँ गर्ल्स को फिजिकली फिट रखने के लिए डिफरेंट गेम्स जैसे स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, परेड, योगिक एक्सरसाइजेस और हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। दूसरी शिक्षा है व्यवहारिक शिक्षा यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन। वनस्थली में लड़कियों को डिफरेंट स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ सिखाए जाते हैं, जैसे सैंजनरी, प्रिंटिंग्स, टाई एंड डाई, बुटीक, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट, रेडियो जॉकी, टीवी एंकरिंग, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन एक्सेट्रा। इन स्किल्स के वजह से आगे जाकर लड़कियों को जॉब्स पाने में आसानी होती है। तीसरा है कला विषयक शिक्षा या एस्थेटिक्स। वनस्थली की बात करें और उसमें कला की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ लड़कियों को म्यूज़िक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार, सरोद, वायलिन, गिटार, तबला और डिफरेंट डांस फॉर्म्स जैसे कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, राजस्थान के साथ ही ड्रामा यानी एक्टिंग भी सिखाया जाता है। फोर्थ टाइप की शिक्षा है नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन। सामूहिक प्रार्थना के द्वारा सभी धर्मों के प्रति समन्वय और सम्मानित दृष्टि विकसित करना विद्यापीठ के दैनिक चर्चा में सम्मिलित है। पांचवा और आखिरी टाइप का एजुकेशन है बौद्धिक शिक्षा यानी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। क्लासरूम टीचिंग, बेहतरीन लाइब्रेरी और रीडिंग रूम सर्विसेज के साथ ही विद्यापीठ में एजुकेशनल टूर्स, फेस्टिवल्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे लड़कियों में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये हो गई यहाँ की अनोखी शिक्षा प्रणाली। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। वनस्थली में एडमिशन क्लास 6, 9 और 11 में होता है। क्लास 6 और 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा होता है और इनका एडमिशन एंट्रेंस के मार्क्स और पिछले साल के मार्क्स यानी क्लास 6 के लिए क्लास 5 के मार्क्स और क्लास 9 के लिए क्लास 8 के मार्क्स के आधार पर होता है। वहीं क्लास 11 में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है, प्रवेश परीक्षा नहीं होता है। एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ते हैं। जिस साल एडमिशन लेने हैं उस साल के अप्रैल महीने में फॉर्म्स निकलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स 3 तरीके से भरे जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाई पोस्ट यानी डाक के माध्यम से फॉर्म पाने के लिए आपको स्कूल के नाम पे 800 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा और वो आपको फॉर्म भेजेंगे। सेकेंड तरीका है डायरेक्ट स्कूल में जाके। तो आप स्कूल में जाकर 800 रुपीज़ कैश देकर फॉर्म ले सकते हैं और फिलअप करके स्कूल में जमा करेंगे।
तीसरा तरीका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। वनस्थली के वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट है www.vanasthali.org। इसके बाद मई के महीने में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्लास 6 और 9 दोनों के लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है एज क्राइटेरिया। क्लास 6 में एडमिशन के लिए गर्ल्स का एज 10 से 11.5 साल के बीच होना चाहिए और क्लास 9 में एडमिशन के लिए गर्ल्स का एज 13 से लेकर 14.5 ईयर्स तक होना चाहिए। एज कैलकुलेट करना है जिस साल एडमिशन ले रहे हैं उस साल के 1 जुलाई तक। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 6 में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के क्लास 5 में 60% या अधिक मार्क्स रहने होंगे और क्लास 9 में एडमिशन के लिए क्लास 8 में 60% एंड अबव मार्क्स रहने चाहिए। अब बात करते हैं वनस्थली में सीट रिजर्वेशन की। तो सैनिक स्कूल की तरह ही वनस्थली विद्यापीठ में भी कुछ सीट्स आरक्षित रहते हैं। यहाँ SC गर्ल्स के लिए 15%, ST गर्ल्स के लिए 7.5% और फिजिकली हैंडीकैप्ड गर्ल्स के लिए 3% सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं। तो बाकी बचे सीट्स यानी 74.5% सीट्स जनरल OBC गर्ल्स के लिए अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ एजुकेशन। वनस्थली में पढ़ाई हिंदी माध्यम से होता है, हालांकि यहाँ उन स्टूडेंट्स के ज़रूरतों को भी ध्यान दिया जाता है जो द्विभाषी प्रणाली यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं। यहाँ बुक्स, इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहते हैं, यानी हिंदी के साथ ही इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वनस्थली का अपना खुद का एक बोर्ड है जिसका नाम है वनस्थली बोर्ड। यह स्कूल CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड को फॉलो नहीं करता है, यह अपना खुद का बोर्ड फॉलो करता है। बात करते हैं वनस्थली की हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। वनस्थली में लड़कियों को हॉस्टल में रहना पड़ता है, एक्सेप्ट उनके जिनका घर स्कूल के नज़दीक 25 किलोमीटर के रेडियस तक में हो या जिनके गार्जियन इसी स्कूल में काम करते हैं और वो अपने गार्जियन के साथ स्टाफ क्वार्टर्स में रहती हैं। वनस्थली विद्यापीठ में लड़कियों को बहुत ही बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटीज़ दिया जाता है। यहाँ के हॉस्टल का एक खासियत यह है कि लड़कियों को यहाँ बेड के साथ ही गद्दा यानी मैट्रेस और तकिया यानी पिल्लो भी दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर हॉस्टल्स में बच्चों को घर से ले जाना पड़ता है। यहाँ के हॉस्टल के मेस में पौष्टिक खाने की व्यवस्था है। मेस के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मेन्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पे दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं वनस्थली में फ़ीस कितने लगते हैं। वनस्थली में क्लास 11, 12 के लिए साइंस और कॉमर्स ग्रुप का रेगुलर फ़ीस है 1,01,000 रुपीज़ पर एनम, यानी कि साल भर का। वहीं क्लास 11, 12 आर्ट सेक्शन और क्लास 10 और उससे नीचे क्लासेस का फ़ीस है 75,000 पर एनम। तो फीस के बेसिस पे इन्होंने क्लास 11, 12 साइंस और कॉमर्स ग्रुप को ग्रुप 1 और क्लास 11, 12 आर्ट्स क्लास 10 और जूनियर क्लासेस को ग्रुप 2 में डिवाइड कर रखा है। वनस्थली में फॉरेन और NRI स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स और NRI स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ीस मेंशन कर रखा है। इसके साथ ही सभी न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स को 5,000 रुपीज़ एज वन टाइम हॉस्टल एडमिशन फ़ी के रूप में लगता है। यहाँ एक वन टाइम कोर्स एडमिशन फ़ी भी लगता है ग्रुप 1 के लिए जो है 10,000 और ग्रुप 2 के लिए है 5,000। हर स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है 10,000 का, जो कि बाद में रिफ़ंड कर दिया जाता है, और एक इंटरेस्ट अमाउंट 2,500 का जमा करना पड़ता है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चार्जेस जैसे एग्जामिनेशन फ़ी, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी, ये सब लगते हैं। क्लास 8 तक है 1,500 रुपीज़ और क्लास 9 से 12 तक है 2,500 रुपीज़। स्टूडेंट्स को यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ीस भी जमा करने पड़ते हैं। ग्रुप 1 के लिए है 28,000 रुपीज़ और ग्रुप 2 के लिए है 21,000 रुपीज़। नेक्स्ट है यहाँ का हॉस्टल और कैंपस फ़ी। तो मेस चार्ज 10 मंथ्स के लिए है 21,500 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज 10 मंथ्स का है 7,500। 10 मंथ का रूम रेंट है 10,000 रुपीज़ और कैंपस फ़ी एनुअल जो है 21,000 रुपीज़। तो टोटल हॉस्टल एंड कैंपस फ़ी हो जाता है 60,000 रुपीज़। मैंने आपको फ़ीस डिटेल्स डायरेक्टली उनके वेबसाइट से जो डिटेल्स थे वहाँ से बताया। अब मैंने इनका एक टोटल फ़ीस का एक टेबल बना लिया है, तो आप देख सकते हैं।
सकते हैं। 11th 12th साइंस और कॉमर्स ग्रुप का एडमिशन के ईयर जो एनुअल फीस है वो है 2,19,000 रुपीज़, और वहीं क्लास 11th 12th आर्ट्स, क्लास 10 और जूनियर क्लासेस का एडमिशन के ईयर का फीस है 1,80,000 रुपीज़। फ़ीस आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। फ़ीस आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, बट इनके फैसिलिटीज़ के सामने ये फ़ीस एप्रोप्रिएट है। तो ये रही वनस्थली विद्यापीठ की संपूर्ण जानकारी। आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछें, और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।